मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के कारण जौनपुर के सरकारी अस्पतालों में इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने का आलम यह है कि अक्टूबर माह की तुलना में ओपीडी दोगुनी हो चुकी है। वहीं लैब में जांच कराने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जांच कराने वालों में अधिकतर मरीज सीवीसी और डेंगू तथा मलेरिया की जांच करा रहे हैं। जौनपुर के अस्पताल में इन दिनों पहुंचने वाले अधिकतर मरीज सर्दी, जुखाम, बुखार व खांसी से ग्रसित हैं। चिकित्सकीय परामर्श के दौरान गए मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जांच कराई जा रही है। अस्पताल के आंकड़ों की माने तो जहां अक्टूबर माह में ओपीडी 200 तक सीमित थी, वहीं अब यह बढ़ चढ़कर 400 से भी अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही लैब में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीजों की सीवीसी, एलएफटी, मलेरिया व डेंगू की जांच कराई जा रही है। हालांकि अभी तक की जांच में मरीजों प्लेटलेट का कम होने, खून की कमी, टाइफाइड सहित अनेक प्रकार की बीमारियां मिल रही है, लेकिन अभी तक जांच में मरीजों को मलेरिया व डेंगू नहीं मिला है। अस्पताल के खुलने से पहले ही मरीजों की उपस्थिति हो जा रही है। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। और अस्पताल में इस रोग से ज्वर से पीड़ित मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है। तो बस ये है कि जैसे हमारा मौसम भी बदल रहा है, बारिश बेसमय बारिश भी हो गई काफ़ी जो है, तो मौसम बदलते मौसम में थोड़े से हमें एहतियात की ज़रूरत है और अपने खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। सोने की जो है टाइमिंग की बहुत ज़रूरत है कि समय से सोएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया बना के रखें। बीच बीच में जो हमारे गर्म सूप हैं, सब्जियों के विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं, उनके सूप बना के पीते रहें। वायरल बुखार होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 से 5 दिन में स्वतः ठीक होता है। नहीं अगर दिक्कत फिर भी रहती है तो आके ज़रूर अस्पताल में दिखा लें और आराम करें। आराम करना ही इस जो है बुखार के लिए एक तरह से निदान का कार्य करता है। तो आप जहाँ पर भी हैं, अगर वायरल जनित हैं तो आप जो है रेस्ट कर लें, 2-4 दिन रेस्ट कर लें और ये बीमारी बहुत